G20 प्रतिनिधि मंडल के आगमन के बाद से ही माल रोड और फतेहाबाद रोड की सूरत और सीरत दोनों ही बदली है। रोड के फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त रहे इसके लिए पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। VVIP रोड को साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए इलाका पुलिस ने ACP सदर अर्चना सिंह के नेतृत्व में फतेहाबाद रोड पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। इस दौरान फुटपाथ पर कब्जा करने वाले ठेल को चलाने वालों को वहां से हटा दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं और अतिक्रमण को वहां से हटाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनसे अपील भी कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए जोड़ेंगे अपने संवाददाता विजय बघेल से। जी विजय, जैसा कि रोड माल रोड और फतेहाबाद रोड पर जो VVIP मार्ग है वहां से अतिक्रमण को हटाया गया है, तो ये जो पुलिस की कार्यवाही है वो आज तक ही सीमित रहेगी या आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी? देखिए भारती, फतेहाबाद रोड इस समय VVIP रोड है और आगरा विश्वदा स्मारकों की नगरी है। विश्व का सातवां आश्चर्य आगरा में है और ताज अवलोकन के लिए यहाँ तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और तमाम VVIP यहाँ आते हैं और विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं और VVIP रोड और ताजगंज इलाके में जब वो गुजरते हैं तो उन्हें सड़कें तो ठीक मिलती हैं लेकिन सफाई व्यवस्था और फुटपाथ पर जो अतिक्रमण है वो कहीं ना कहीं उनके देश के कल्चर से भारत को अलग करता है और भारत की छवि को धूमिल करता है। और यही वजह है कि जब G20 डेलीगेशन या फरवरी महीने में जब आया था तो तब आगरा की सूरत और सीरत दोनों बदली थी। केवल फतेहाबाद रोड और माल रोड ही नहीं बल्कि समूचे आगरा को, चाहे यमुना किनारा रोड हो या MG रोड हो या MG रोड 2 हो, सभी जगह सफाई व्यवस्था बेहतर दिखी थी और अतिक्रमण मुक्त आगरा देखा था। ऐसा हर बार होता है लेकिन इस बार चूंकि फतेहाबाद रोड का आपने देखा होगा कि किस तरीके से फतेहाबाद रोड की सूरत बदली है और एक इंटरनेशनल स्तर का ये रोड लगने लगा है क्योंकि ऊपर से मेट्रो एलिवेटेड मेट्रो गुजर रही है और नीचे रोड के दोनों ओर पेंटिंग है, तो ये फतेहाबाद रोड की यही खूबसूरती बरकरार रहे और फुटपाथ पर वहाँ कब्जा ना हो, जो पटरी व्यवसायी हैं या ठेल डकेल वेंडर्स हैं उनको हटाने के लिए पुलिस निरंतर यहाँ काम करेगी। चूंकि तमाम लोग जो व्यवसायी हैं, जो छोटे मोटे ठेल डकेल वाले हैं, वो कहीं ना कहीं अब वहाँ खड़ी कर लेते हैं और वहाँ उनके पास कोई ग्राहक आकर रुकता है तो जाम की स्थिति बन जाती है और विदेशी पर्यटक जब ये देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक आगरा को दुयम दर्जे का शहर समझते हैं। और इस छवि से उबारने के लिए अब ACP अर्चना सिंह के नेतृत्व में जो सदर पुलिस है और ताजगंज पुलिस है, ये दोनों संयुक्त रूप से यहाँ मिलकर के और अभियान चलाएगी और लोगों को जागरूक भी करेगी। अगर निरंतर ये अभियान चलेगा पुलिस का तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक होंगे और वर्दी के खौफ के चलते वहाँ वो ठेल दखेल नहीं लाएंगे। जैसे कि आपने सवाल किया कि चूंकि हर बार ये ड्राइव चलती है, एनक्लोजमेंट ड्राइव हर बार होती है और फिर दूसरे तीसरे दिन से वहाँ और ये ठेल दखेल लग जाती है, तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ACP अर्चना सिंह का साफ कहना है कि वो बीट के जो सिपाही हैं उनकी जवाबदेही तय करेंगी और ठेल दखेल अगर लगती है तो उन्हें एडवर्स एंट्री वे देंगी जिससे यहाँ उनकी वो अपने कार्य के प्रति जवाबदेह हों और कर्तव्य निष्ठ रहें। अब देखने वाली बात यह है कि जो ACP ने आज कहा है अब वो कितने दिन तक बरकरार रह पाता है और पुलिस अगर निरंतर कार्रवाई करती है तो एक तो ये ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छा रहेगा, दूसरा आगरा की छवि पर भी बट्टा नहीं लगेगा। जी जी विजय, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर बता दें कि G20 प्रतिनिधि मंडल के आगमन के बाद से मॉल रोड और फतेहाबाद रोड की सूरत और सीरत दोनों ही बदली है। रोड के फुटपाथ से अतिक्रमण हटा दिया गया है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।